बड़े इस्लामिक मुल्क और यूनाइटेड नेशन से बड़ी खबर, फिलिस्तीन एक आजाद मुल्क होगा और फिलिस्तीन पर उसकी हुकूमत होगी जिसे फिलिस्तीनी अवाम चाहती है। फिलिस्तीन की अवाम किसे चाहती है कमेंट करके जरूर बताए। साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, पत्थर फेंककर आजादी का आंदोलन शुरू करने वालों ने सालाना 80 अरब डॉलर खर्च करने वाली इजरायली सेना को लोहे के चने छपवा दिए। आपको अब भी याद होगा, सालों पहले वॉल स्ट्रीट पर कुछ लोग कहां करते थे, पत्थरों से टैंकों के साथ कोई लड़ता है भला? आज भी वही कुछ बेवकूफ कहते हैं कि जहाजों के सामने रॉकेट से कोई लड़ता है क्या? 6 दिन में 6 देशों को अकेले हराने का फर्जी मीडियाई दावा करने वाले दोगले इजराइल नामी गुब्बारे को फलस्तीन के एक रेजिस्टेंस ग्रुप ने 7 अक्टूबर से अब तक जंग के मैदान से लेकर टेबल टॉक तक छठी का दूध याद दिला दिया है। तालिबान ने रूस और अमेरिका को हरा कर दुनिया का रुख बदल दिया, तो वहीं हमास ने इसराइल अमेरिका को दिखा दिया कि अबू उबैदा अल जर्रा, खालिद बिन वलीद, सलाहुद्दीन अयूबी की विरासत अभी जिंदा है। मगरिब वालों कान खोल के सुन लो, हम अखबार नहीं लिखते, हम इतिहास लिखते हैं। इसराइल और हमास के बीच 4 दिनों का युद्ध विराम करवाने वाले इस्लामिक राष्ट्र कतर ने आधिकारिक बयान दिया है, फिलिस्तीन एक आजाद मुल्क होगा और फिलिस्तीन पर उसी की हुकूमत होगी जिसे फिलिस्तीनी अवाम चाहती है। अब हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि जंग को कैसे खत्म किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा दोबारा ना हो। कतर ने कहा, संयुक्त राज्य की कोऑर्डिनेशन से ही कतर में हमास का केंद्रीय कार्यालय बनाया गया था ताकि कम्युनिकेशन आसान हो जाए। दोहा में हमास का कार्यालय इसराइल और इलाके की स्थिरता के लिए फायदेमंद साबित हुआ। फिलिस्तीनी लोगों के लिए हमारा समर्थन दशकों से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रिलेशनशिप ट्रस्ट और सामान्य हितों पर बने हैं। आखिरी बात, संयुक्त राज्य की कोऑर्डिनेशन से कतर में हमास का कार्यालय बनाया गया और हमारा गोदी मीडिया रूहबिका के कहता है, आप हमास को आतंकी संगठन मानते हैं या नहीं? गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा इसलिए भी मारना चाहिए कि ना भारत ने, ना यूनाइटेड नेशन ने, ना दुनिया के किसी भी मुल्क ने, यहाँ तक कि इसराइल ने भी अभी तक हमास को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन डिक्लेयर नहीं किया है। आपको बता दें कि भारत समेत कुछ मुल्कों में फिलिस्तीन का समर्थन करने से सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि देश का माहौल खराब ना हो जाए, और कोई वजह नहीं है। भारत ने अब तक फिलिस्तीन को 3 बार राहत सामग्री भेजी और 7 अक्टूबर के बाद यूनाइटेड नेशन में 2 बार फिलिस्तीन के आजाद मुल्क होने पर अपना वोट दिया। आप देख रहे हैं SD24। Ya Salah ya Habib Ya Salah ya Habib Ya Salah ya Habib